पाकिस्तान में सियासी ड्रामा लगातार जारी। इमरान खान का बड़ा बयान, कहा आजादी की लड़ाई आज फिर से शुरू हो रही है। विदेशी साजिश के खिलाफ संघर्ष करेंगे। पाकिस्तान की जनता हमेशा लोकतंत्र के साथ। पीटीआई की पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी। फवाद चौधरी ने कहा सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने आंदोलन नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए गलत होगा। इमरान खान के करीबी नेता फवाद चौधरी का विपक्ष पर निशाना, कहा यह पाकिस्तान के लिए बुरा दिन। लुटेरों की सत्ता में वापसी हुई, अच्छे लोगों को घर भेज दिया गया। पीटीआई के सभी सांसद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से इस्तीफा देंगे। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की बैठक में फैसला हुआ। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं ने लिया हिस्सा। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू। खालिद जावेद ने अटॉर्नी जनरल के पद से इस्तीफा दिया। इमरान खान के करीबियों पर रेड भी शुरू, पीटीआई ने दावा किया। इमरान खान के प्रवक्ता अरसलान खालिद के घर पर छापेमारी हुई। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर बयान दिया, कहा भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को लेकर बोले शहबाज शरीफ, कहा नवाज शरीफ के मामलों की जांच कानून के मुताबिक होगी। पाकिस्तान की नई सरकार में बिलावल भुट्टो को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नई सरकार में विदेश मंत्री के पद के लिए बिलावल भुट्टो का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। इमरान खान की पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को पीएम उम्मीदवार बनाया। शाह महमूद कुरैशी ने नामांकन दाखिल किया। कल पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का चुनाव, शहबाज शरीफ पीएम पद की रेस में आगे। विपक्ष ने शहबाज शरीफ को पीएम उम्मीदवार घोषित किया। पाकिस्तान के पूरे विपक्ष ने शहबाज को पीएम माना। सत्ता बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में गिर गई इमरान खान की सरकार। बीती रात नेशनल असेंबली में हुआ था फ्लो टेस्ट। इमरान खान को पहले ही हो गया था हार का अंदेशा। इमरान अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही पहुंचे पीएम आवास। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देर रात अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इमरान के खिलाफ 174 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए विपक्षी सांसद जहां एकजुट थे, तो वहीं इमरान के सांसदों ने वोटिंग से पहले ही हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। पीटीआई के सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी सांसद संसद में मौजूद रहे। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो संसद में हंगामा भी देखने को मिला। वॉकआउट के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने नया वीडियो जारी किया। रूसी सेना ने ब्लैक सी से 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ब्लैक सी से रूस की नौसेना टुकड़ी का यूक्रेनी सेना पर हमला। मरियोपोल में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन में रूस के A-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर का कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन की सेना के सैन्य उपकरणों को बना रहा है निशाना। रूसी सेना ने यूक्रेनी टैंकों पर किया ड्रोन अटैक। घात लगाकर हमला करने वाले यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया। एक दिन में रूसी सेना ने खार्किव पर किए 50 बार हमले। रिहायशी इमारतों को हुआ भारी नुकसान। हमलों में 15 नागरिक घायल हुए। जंग के बीच खार्किव के बाहरी इलाकों में रूसी टैंकों की तैनाती। कीव से खार्किव की ओर भेजे जा रहे हैं टैंक। यूक्रेनी उपकरणों को निशाना बना रहा रूस। हमले में नाइट्रिक एसिड का टैंक तबाह हुआ। रुबिजन के पास हमले में यूक्रेन को नुकसान पहुंचा। बुचा से लगातार सामने आ रही नरसंहार की तस्वीरें। बुचा में 5 शव मिले जिन्हें सिर में मार दी गई थी गोली। यूक्रेन की वायुसेना का दावा, एक दिन में 13 रूसी हवाई ठिकानों को तबाह किया। हमलों में 3 प्लेन 1 हेलीकॉप्टर भी शामिल। रूसी हमलों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। बुचा नरसंहार के बाद जेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान, कहा रूस के साथ बातचीत के लिए यूक्रेन अब भी तैयार। यूक्रेन से लगातार लोगों का पलायन जारी। ओडेसा से रोमानिया पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थी। अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों ने रोमानिया में शरण ली। लगातार रूसी हमलों से मरियोपोल में तबाही। शहर छोड़ जाना चाहते हैं मरियोपोल के नागरिक। हर दिन हो रहे हैं रूस के अटैक। रूस के खिलाफ हमलों की तैयारी कर रहे पूर्वी यूक्रेन के शहर रूसी हमलों से तबाह हुए। बर्किंगकोव के स्वयंसेवक कर रहे तैयारी।
यूक्रेन में शांति के लिए दोनेत्स्क के फुटबॉल क्लब की पहल, हमलों में घायल हुए लोगों के लिए ग्रीस में चैरिटी मैच खेला क्लब। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का बड़ा बयान, उन्होंने कहा रूसी नेतृत्व को बताया था कि एक दिन नेटो में शामिल हो सकता था रूस। यूक्रेन की सेना ने पत्रकारों को तबाह हुए रूसी बेस का दौरा कराया, जमीन पर रूसी टैंक, हार्डवेयर के अवशेष दिखाई दिए। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, यूक्रेन ने रूस के साथ कैदियों का आदान प्रदान किया, इसके तहत 12 यूक्रेनी सैनिक जिन्हें बंदी बना लिया गया था यूक्रेन वापस आएंगे। यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे रूस के किलर ड्रोन, यूक्रेनी सेना के आजोव बटालियन पर किया अटैक, तबाह किए कई सैन्य उपकरण। रूस को यूक्रेनी सेना का जवाबी हमला, मार गिराया रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.